हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आया हूँ प्रतापगढ़ फोर्ट। प्रतापगढ़ आने के लिए आपको मुंबई गोवा हाईवे पे पोलादपुर तक आना पड़ेगा। पोलादपुर से आपको लेफ्ट टर्न मारना होगा और उसके बाद अराउंड 25 टू 26 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको ये बोर्ड लगेगा और इस बोर्ड से हमें अराउंड 4 किलोमीटर और आगे जाना होगा। सो चले आगे बढ़ते हैं, इस बोर्ड से अंदर चलते हैं प्रतापगढ़ की तरफ। सो लेट्स मूव। एंड रिमेंबर, रास्ते जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े है, इसके वजह से स्लो पेस में, रिलैक्स मैनर में गाड़ी चलाना ही अच्छा रहेगा इन रास्तों पे। जस्ट लिटिल नोट, अगर आप खुद से गाड़ी चला रहे हैं तो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ऑसम सा व्यू है प्रतापगढ़ का। यहाँ से अराउंड पूरा का पूरा जो माउंटेन है उस पर फोर्ट बनाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे आप गाड़ी लगा के वहाँ पे चलते हुए जा सकते हैं प्रतापगढ़ की तरफ। तो चलिए चलते हैं प्रतापगढ़ की तरफ चलते हुए, कमऑन। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ का लिटरली मीनिंग होता है कि बहुत ही विशालगढ़। तो ये विशाल सा प्रतापगढ़ बसता है महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में और प्रतापगढ़ की ऊंचाई समुद्र तलहटी से 3,540 फीट है। जैसे ही आप फोर्ट में एंटर करते हैं आपको राइट साइड में ये छोटी सी तोप दिखाई पड़ती है और लेफ्ट साइड में ये फ्लावर शेप में पत्थर दिखाई पड़ता है। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे हूँ, इस फोर्ट के बॉर्डर पे बैठा हुआ हूँ एंड यहाँ से मुझे बहुत ही इनक्रेडिबल व्यू दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है वैली में एंड आपको यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि कितने ऊंचाई पे आप है। सो जनरली फोर्ट बनाने की जो स्ट्रेटजी थी वो ऐसे ही रहा करती थी कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे फोर्ट बना सके उतनी ज़्यादा ऊंचाई पे बनाया जाए ताकि आजू बाजू का जो एरिया है, सराउंडिंग्स है, उस पे पेट्रोलिंग की जा सके। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं इस बॉर्डर पे, ये बहुत ही डीप डाउन होल्स है। तो इसका यूटिलाइजेशन ऐसा था कि अगर कभी कोई एनिमी आए तो एनिमी पे खुद को इंजर्ड किए बिना अटैक किया जा सके छुप छुप कर, तो इस वजह से ऐसे होल्स बनाए जाते थे। गाइस, तो जो आप मेरे पीछे हाइटेड फ्लैग देख रहे हैं, तो अब मैं उसके पास जाऊंगा एंड देखते हैं वहां से कितना ऑसम व्यू दिखाई देता है। गाइज, उस जगह से थोड़ा ही आगे आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट है। बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है, अगर आप सुसाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जस्ट किडिंग। सो आई वाज सेइंग कि बैड प्रिजर्वेशन की वजह से ये दीवारें अच्छी तरह से नहीं बच पाई इस फोर्ट की। मतलब वैसे तो हर फोर्ट का यही हाल है ऑलमोस्ट, कुछ की हालत अच्छी है कुछ की खराब, बट इफेक्ट तो होता ही है वेदर के वजह से या फिर बैड रिजर्वेशन की वजह से। तो ये जो वॉल है आई थिंक ये ढह गई है नीचे की साइड में एंड आगे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो ढह गया है नीचे, कुछ बचा ही नहीं है। देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है टूट गया है, सो विच मीन्स ये वाला पार्ट भी ढह सकता है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, अगर प्रिजर्वेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाया। सो या बुरा लगता है ऐसी हालत देख के, इतने अच्छे हमारे जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं। सो गाइज, मैं इस फोर्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने वाला क्योंकि मुझे और भी आगे जाना है। सो लेट मी टेल यू गाइज कि मैं कोकन के रोड ट्रिप पे हूँ। सो डेफिनेटली और भी ज़्यादा ऑसम वीडियोज़ एंड व्लॉग्स आने वाले हैं। सो डेफिनेटली बी श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, क्योंकि या एज आई सेड और भी ऑसम वीडियोज़ एंड व्लॉगिंग कंटेंट्स आने वाले हैं। So stay tuned for the next video. Tab tak ke liye, bye bye.